इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आईएसआईएस के तीन आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन आतंकियों को पुलिस और सेना के भर्ती कैंप पर हमला करने का आदेश मिला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के हिंदू नेताओं और आरएसएस लीडर्स को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के तीन आतंकियों को कल गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर के बाद वजीराबाद से इनकी ये गिरफ्तारी हुई थी और इनके पास हथियार भी बरामद हुआ था। गिरफ्तार तीनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तीनों आतंकियों ने साल 2014 में एक हिंदू नेता की हत्या की थी। खास बात यह है कि इन तीन आतंकियों के अलावा इनके तीन साथी अब भी फरार हैं और सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर अलर्ट पर हैं।